नहीं हो सकती अम्र बिल मारूफ नहीं रिमुन करके। सबसे बुनियादी चीज कमाले ईमान के लिए जितने आमाल मर्दों को बताए गए उतने आमाल खवातीन को बताए गए। कमाले ईमान के लिए जितने आमाल मर्दों को बताए गए उतने आमाल खवातीन को बताए गए। जिस तरह गुनाह को होता हुआ एक आदमी देखता है और उसे नहीं रोकता तो यह आदमी भी मुस्तकिल गुनहगार है। इसी तरह अगर किसी गुनाह को होता हुआ कोई खातून देखे या सुने और उसे रोकने की कोशिश न करे तो ये खातून भी गुनहगार। अगर गली के अंदर एक खातून बेपर्दा है और दूसरी खातून पर्दे वाली है और इस पर्दे वाली को बेपर्दा खातून का इल्म हो चुका या उसे देख चुकी और फिर उसने रोका नहीं कोशिश नहीं करी तो फिर लोगों की नज़र में इस गली में एक गुनाह हुआ एक गुनहगार है और शरीयत की नज़र में इस गली में दो गुनाह हुए और दो गुनहगार है। कितने गुनहगार? एक तो वो जो बेपर्दा है, दूसरी वो जो बेपर्दगी को रोकने की कोशिश नहीं कर। और ये भी लिखा है कि वो बेपर्दा ये भी बड़ा गुनाह है और बेपर्दगी को ना रोकना ये भी बड़ा गुनाह है। फिर ये भी लिखा उलमा ने कि वो बेपर्दगी वाला जो बड़ा गुनाह है वो हल्का गुनाह है और बेपर्दगी को ना रोकना जो बड़ा गुनाह है वो सख्त गुनाह है। सख्त किसी गली में 11 औरतें 10 बेपर्दा एक पर्दे वाली तो ये 10 बेपर्दा एक एक गुनाह वाली और ये पर्दे वाली जो 10 बहनों को देखकर सुनकर रोक नहीं रही तो इसने 10 गुनाह किए। आयशा को बेपर्दा देखा नहीं रोका इसका गुनाह मुस्तकिल फातिमा को मिलेगा। खदीजा को देखा बेपर्दे में उसे नहीं रोका तो इसको मुस्तकिल उसको ना रोकने का मुस्तकिल गुनाह मिलेगा। यानी वो सब बहनों के खाते में एक एक गुनाह और इस बहन के खाते में 10 गुनाह। समझ में नहीं आ रही है। हमें एहसास नहीं है कि इस काम के अंदर खवातीन को अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी। गुनाहों की कसरत और गुनाहों के गालिब आने पर अल्लाह का अज़ाब आता है और उलमा ने लिखा है कि गुनाहों की कसरत और गुनाह गालिब उस वक्त होते हैं जब बुराइयों को रोकने की कोशिश छोड़ दी जाती है। गुनाहों को ना रोकने से ही गुनाह की तकमील होती है। गुनाहों को ना रोकने की वजह से गुनाह गालिब होते हैं, गुनाह की तकमील होती है और उसी से जल्द अज़ाब अल्लाह का। कोई खातून अपनी इनफरादी इबादत और इनफरादी तौर पर अपने पर्दे वाली जिंदगी से उस अजाब से अपने आप को बचा नहीं सकती जो बेपर्दगी पर अल्लाह की तरफ से उतर रहा। कोई खातून अपनी जाती पर्दे वाली जिंदगी की वजह से उस अजाब से अपने को बचा ही नहीं सकती जो अजाब पड़ोसी बहनों की बेपर्दगी की वजह से दुनिया में उतर रहा। सारा खुलासा। कोई खातून अपनी जाती इबादत के जरिए से ईमान के कमाल तक पहुंच नहीं सकती। इतने सजदे किए कि गट्टे पड़ गए उस खातून के पेशानी पर, इतने रोजे रखे कि उसके होंठ खुश्क हो गए और फिर इतने जकात के उसके ऊपर माल उसके इतने जकात में माल निकाला कि उस पर जकात वाजिब ही नहीं होती, फिर भी उसका ईमान अधूरा नाकिसुल ईमान अगर वो बुराई को होता हुआ देकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। आला दर्जे का ईमान वो हाथ से रोकने की वजह से होता है और दूसरे दर्जे का ईमान जबान से और तीसरे दर्जे का ईमान बुराइयों को बुरा समझकर और उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगने के जरिए से। बुनियादी उसूल बहुत बुनियादी बात। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का सिलसिला है। ये खवातीन में अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं कि नमाज मेरे जिम्मे फर्ज, पर्दा मेरे जिम्मे फर्ज, इसका शुरूर और इसका एहसास पैदा करना ये तो नाकिस बात है, बल्कि इसके जिम्मे इस बात का एहसास पैदा हो, दिल के अंदर इस बात का एहसास पैदा हो जाए कि मेरे जिम्मे पूरी उम्मत के अंदर पाए जाने वाली बेपर्दगी को दूर करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पूरी उम्मत के अंदर पाई जाने वाली बेपर्दगी बेहयाई है उसका कारण उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और उसको दूर करने की कोशिश करना ये मेरे जिम्मे अल्लाह ने लगाया है। मेरा बुनियादी अहम तरीन फरीजा है अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर। ये एक खातून के दिल दिमाग में अच्छी तरह रच बस जाए, दिल की गहराइयों में उतर जाए और ये काम उस खातून का अकीदा बन जाए, इसके लिए हम निकल रहे अल्लाह के रास्ते।
इस तरह नमाज में कमी ये काबिल बर्दाश्त नहीं, इसी तरह अमर बिलमारूफ नहीं यानी मुनकर में कमी ये भी एक खातून के हक में काबिल बर्दाश्त नहीं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को उस मेयार पर उठा दिया जिस मेयार पर दावत के एतबार से मर्दों को उठाया, वो कभी अल्लाह के रास्ते में निकलने में पीछे नहीं रखा खवातीन। पहली जमात ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को जाने की इजाज़त दी, 5 खवातीन, दूसरी जमात में भी खवातीन को जाने की इजाज़त दी, और फिर मदीने में पहुंचकर ऐसा अमूमी माहौल बना कि जब भी जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती तो खवातीन बड़े अहतमाम से शरीक होती, अपने आप की तशकील खुद कराती और हुजूर की खिदमत में हाजिर होती, अपनी ज़ात को पेश करती। खैबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे तो खवातीन बनू गिफार की इकट्ठी होकर आई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें भी जाने की इजाज़त फरमा। अज़वाज मुतहरात की कैफियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अल्लाह के रास्ते में निकलते और इरादा फरमाते तो अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरान डालकर जिसके नाम कुरान निकलता साथ में ले जाते, बारी बारी लेंगे, कभी दो दो बीवियों को लेकर के गए, और कभी ऐसा हुआ सीरत में कि आप तमाम बीवियों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले। इसी वजह से हज़रात सहाबा के अंदर भी यही मामूल मिलता है, अल्लाह के रास्ते में दो बीवियों को लेकर मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले और एक ही दिन ताऊन की बीमारी दोनों को लगी और एक ही दिन दोनों का इंतकाल हुआ और एक ही कब्र में दोनों को दफन किया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों आज के ज़माने में जो तरतीब हमारे लिए बताई गई है वो सहाबिया के तरतीब पर उम्मत की माओ बहनों को लाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, पगडंडी है। हर तीसरे दिन हर तीसरे महीने में से रोज़ा, साल में अशरा, 3 साल में एक मरतबा चुके, और उसके लिए शराइत बताई गई। 3 दिन में जाने वाली खातून के लिए ये है कि वो बाशरा हो, वो पर्दे के साथ हो और शरई महरम हो, शरई महरम हो और बच्चे साथ में हो। अशरे में जाना चाह रही है तो फिर 3 मरतबा उसका सेरोज़ा लगा हुआ हो, 3 मरतबा सेरोज़ा लगा हुआ हमल ना हो, और चिल्ले में जाना चाहती है 1 आशरा लगा हुआ हो, बैरून जाना चाहती है 2 चिल्ले उसके लगे हुए हों, नुसरत में आना चाहती है 3 चिल्ले उसके लगे हुए हों, और तीसरा आखिरी चिल्ला 3 साल के अंदर लगा हुआ हो, अगर 3 साल से ऊपर गुजर गए तो ड्यू डेट, पहला चिल्ला लगाए फिर बाद में नुसरत में। कुमारी बच्ची 3 दिन में जा सकती है, पहले से इजाज़त थी, और आशरे में भी जा सकती है, अब इसकी इजाज़त हो गई एक शर्त के साथ कि माँ साथ में हो। जो महरम बन करके जा रहा है 3 दिन में तो महरम होने के अलावा कोई शर्त नहीं, और आश्रय में जाना चाह रहा है तो फिर शादीशुदा भी हो, बाशरा भी हो, चिल्ला भी लगा हुआ हो, कुंवारे के लिए गुंजाइश नहीं 10 दिन में जाने की, कुंवारा महरम बन के 10 दिन में नहीं जा सकते। चिल्ले में जाना चाह रहा है तो 4 महीने लगे हुए, और 2 महीने बैरून जा रहा तो 3 मरतबा उसके 4 महीने लगे हुए, और फिर 3 दिन और आश्रय के अंदर 5 जोड़े भी जा सकते हैं, 6 जोड़े भी मुस्तकिल जा सकते हैं, 3 दिन और आश्रय के अंदर 7 बहनें भी जा सकती हैं, 5 मर्द और 5 औरतें, 5 मर्द 6 औरतें, और 5 मर्द 7 औरतें, और इसी तरह 6 मर्द 6 औरतें, 6 मर्द और 7 औरतें, दोनों की गुंजाइश, और 5 और 3 दिन और आश्रय के अंदर 2 मर्दों को अपने साथ, एक एक बहन को ले जाने की इजाज़त, जाइद एक एक बहन, एक एक बहन जाइद लेकर के वो जा सकते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान उबैदुल्ला है अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने साथ एक एक खातून को एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, शादीशुदा भी हो सकती है वो दोनों, गैर शादीशुदा भी हो सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं, इसे बार बार यहाँ से इसलिए दोहरा रहे ताकि एक ही बात पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में चले, आपकी जिम्मेदारी इसे नोट कर लें, इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। आपसे बार बार लोग पूछेंगे, नहीं भी पूछेंगे तो आपको अमानतदारी से ये बातें बड़ी फिक्र से और सही नहज पर उनके सामने बातें रखें।
ताकि काम एक रुख पर रहे, एक नहज पर, और फिर जो सहूलतें इसके अंदर दी जा रही हैं वो उम्मत के तमाम तबकात तक पहुंचे, वरना बहुत सारे लोग इससे अनजान होने की वजह से अभी तक बेचारे रुके हुए नहीं निकल पा रहे। जाने वाली जमातें इसे एहतमाम से पहुंचाती नहीं। आप जा रहे हैं तो हर रोज इसके मुजाकिरे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हर रोज इसके मुजाकिरे करने चाहिए। आप जितने जिम्मेदार किसी जिले में मिले उन्हें बहुत एहतमाम से कहना अपडेट आज की तारीख की ये बात निजामुद्दीन की, आप नोट कर लें डायरी में, नोट करना उन्हें बताओ, उन्हें इश्काल हो तो कहने के फौरन निजामुद्दीन लिख करके पूछो। इससे बेहतर इस निजामुद्दीन की मिंबर की बातों को तमाम इलाकों में पहुंचाने का और कोई रास्ता नहीं, आप ही सबसे बेहतरीन जरिया है और सबक, और अगर आप पहुंचाएंगे नहीं या गलत पहुंचाएंगे तो फिर ये बड़े खसारे की बात और उम्मत के हिदायत से महरूम होने का सबब बने। और ये भी बता दें कि ये तो तरतीब है और तकाजे पर भी निकलना जरूरी है, इसलिए कि साहबियात का खुरूज तो असल तकाजे ही पर हुआ करता, जब मशवरा हो जब तकाजा फौरन निकले। ये बात समझा दें कि भाई हर मर्द 2 महीने मर्दों में लगाकर 3रे महीने एहतमाम के साथ मस्तूरात में, जिस तरह 3रे महीने में मस्तूरात में लगाने वाले को बड़ी पाबंदी से हम मर्दों में निकालते हैं, इस तरह जो मर्दों में ही लगा रहे हैं उन्हें पूरी ताकत कुव्वत लगाकर मस्तूरात में निकालो। ये वक्त आ चुका है, इस वक्त बहुत तबीयतें कतराती है मस्तूरात में जाते हुए, और समझा देना इस वक्त मर्दों की तरफ से इस उम्मत की माओ बहनों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि घर पे रहते हुए भी दीन नहीं सिखलाते और अल्लाह के रास्ते में भी ले जाकर दीन नहीं सिखलाते, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं मर्दों की तरफ से औरतों को, सबसे बड़ा जुल्म है आज के दौर में, नहीं समझ में, बहुत बड़ा जुल्म है कि अपनी खवातीन को अपने घर में रहते हुए भी दीन नहीं सिखलाते और अल्लाह के रास्ते में भी उन्हें लेकर नहीं जाते, पूरा एहतमाम इसका होना चाहिए। बार बार ये बात समझावे कि अल्लाह के नबी की अहम तरीन सुन्नत, कोई शख्स हम में से कामिल नबी के तरीके पर सुन्नतों पर आ नहीं सकता, कोई शख्स हम में से कामिल नबी के तरीकों और सुन्नतों पर आ नहीं सकता जब तक अपनी खवातीन को तरतीब और उसके साथ साथ तकाजों पर भी निकलने का एहतमाम न करे। इसलिए हर जगह से सेरोज़ आशरा चिल्ले की जमातें आपको बनानी। दूसरी बुनियादी जिम्मेदारी इस रास्ते में निकलने का बुनियादी मकसद उन घरों के अंदर उन अमाल दावत को जिंदा करना है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक तरबियत का, हिदायत का, तज़किये का वादा फरमाया और उन अमाल के करने का अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में हुक्म दिया। अल्लाह के अम्र और अल्लाह के हुक्म की वजह से हम इन अमाल को करने के मुकल्लफ और मामूर हैं, जिसमें अहम तरीन अमल कुरान का और हदीस का हल्का लगाना है। ये क़यामत तक की औरतों के लिए हुक्म है और इस पर अल्लाह की तरफ से गुनाहों की गंदगी दूर करके मुकम्मल पाक साफ करने का वादा है। क़र्न अव्वल में सख्त दिल और पत्थर दिल लोगों के हिदायत पर आने का सबसे बुनियादी सबक ये कुरान की तिलावत और कुरान के हल्के थे। हज़रत उमर जैसे सख्त दिल और पत्थर दिल इंसान को हिदायत इस कुरान के हल्के से मिली। क़यामत तक अगर पत्थर दिल सख्त दिल घरों के अंदर मौजूद हैं और घर में कुरान के हल्के लग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से उन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। 5 अमाल के साथ तालीम के हल्के, जिसके अंदर कुरान का हल्का भी है और किताबी तालीम है, 1 दिन मुंतखब से और 1 दिन फ़ज़ाइल अमाल मा फ़ज़ाइल सदक़ात और फिर 6 सिफ़ात का मुज़ाकिरा और तश्कील और अगले दिन के 3 अमलों का मशवरा, अगले दिन के 3 अमलों का मशवरा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत सामने है, हमें कहीं ये नहीं मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों में से किसी के घर में बारी की वजह से हों और आपने हल्के न लिए हों। सीरत की तमाम किताबों और तारीख की तमाम किताबों से ये बात मालूम होती है कि आपका किसी भी बीवी के घर में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक आपका जो वक्त गुजरता वो तालीम की गरज से वक्त गुजरता। अज़वाज मुतहरा इंतजार में रहती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए तो पता नहीं कौन सी दीन की बातें और कौन सी हदीस लेकर के आवे और आपकी मेरे घर में मौजूदगी के दरमियान न जाने आसमान से कौन सी आयतें सूरतें लेकर जिब्रील अमीन उतरने वाले। इस तमा लालच हिर्स में वो मुंतजर रहती थी जल्द मेरे घर में बारी लग जाए। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो अल्लाह के नबी को सुलाकर उम्मातुल मोमिनीन सोया भी नहीं करती, लेटे लेटे देखती रहती थी कि हमारा ऐसा ना हो कहीं
कहीं मेरी आंख लग जाए और कोई आयत उतर जाए और मैं इस हल्के से और आयत से महरूम हो जाऊं। कोई खातून आज के जमाने में किसी शोहर के घर आने का, अच्छे अच्छे सामान लेकर घर आने का क्या इंतजार करती होगी, जो जमाने में उम्मतुल मोमिनीन दीन की बातें, हदीस की बातें और आयात के उतरने के इंतजार में अल्लाह के नबी के घर आने का इंतजार किया करती। इसलिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहती है कि मैंने देखा दिन में भी और इसी तरह कभी दिन में नहीं तो रात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर हल्के लिया करते, हदीसें सुनाते, आयतें सुनाते। बारह ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात को जमा करके हल्कों का इहतिमाम फरमाया। उसमें अगर कोई घर के कोई मिंबर और फर्द गायब है उन्हें भी बुला लिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा कर लिया, देखा हजरत फातिमा गैर हाजिर, आपने उन्हें बुलवाया। जब वो आने लगी तो हजरत आयशा कहती है हम समझ गई कि ये हजरत फातिमा है, इसलिए कि उनकी चाल और अल्लाह के नबी की चाल में जर्रा बराबर फर्क है। जब वो आ गई आपने हल्का शुरू फरमाया और दरमियाने हल्का आपने उनको करीब करके एक हदीस सुनाई खामोशी के साथ, तो वो रो पड़ी। फिर करीब करके एक और हदीस सुनाई खामोशी से, तो वो हंस पड़ी। हल्का खत्म, अल्लाह के नबी उठे, तशरीफ ले गए, तो हजरत आयशा फातिमा से कहने लगी कि भाई अल्लाह के नबी ने तुम्हारे कान में कौन सी हदीस सुनाई, वो भी सुना। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी के राज की बात है, मैं इसे जाहिर नहीं करना चाहती। वो चुप हो गई। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हजरत आयशा फिर आई हजरत फातिमा के पास और कहने लगी कि भाई अब तो माँ होने के ही से मेरा जो तुम पर हक बनता है उसका वास्ता देकर पूछती हूँ, हदीस सुना तुम? कि हाँ, अब तो वो हदीस सुना नहीं पड़ेगी क्योंकि वो राज की बात नहीं रही, अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले। वो बात ये थी कि अल्लाह के नबी ने पहली मरतबा मुझे करीब करके मेरे कान में सरगोशी फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन हर साल मेरे साथ एक मरतबा कुरान का दौर फरमाते, इस साल दो मरतबा कुरान का दौर फरमाए, जो इस बात की अलामत है कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर मैं रो पड़ी। आपने मेरी बेसब्री देखी तो मुझे करीब फरमाकर दूसरी हदीस सुनाई, क्या फातिमा तुम इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की औरतों की सरदार बना, जन्नत की औरतों की सरदार बना दीजिए। इस पर मैं हंसी, जिसे आपने दूसरी पर कबा दी, ये क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर आकर एहतिमाम से हल्के के लिए वक्त फारिग करना और तमाम घर वालों को जमा करना, जो गैर हाजिर है उन्हें भी दावत देकर बुलाना, इतनी पाबंदी से ईद लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ताकि कयामत तक आने वाले मर्द इसी तरह घर की तालीम की पाबंदी करें। जितने चाहे बाहर के तकादों में हम मशगूल हों लेकिन घर की तालीम हमारे लिए ज़रूरी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तीसरी बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह के रास्ते में निकलकर हफ्तेवारी तालीम मोहल्ले मोहल्ले चंद मकानात के दरमियान जिंदा करने की फिक्र कोशिश है। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन को जमा फरमा के दीन की बातें इरशाद फरमाते और अजवाज मुतहरात अंसार की खवातीन को जमा करके मदीने तैयबा में दीन की बातें उन्हें जाके सुनाया करती। इसलिए हमारी भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि एक मोहल्ले की या एक मस्जिद की बुनियाद नहीं बल्कि चंद मकानात के ऊपर एक तालीम रखी जाए ताकि 100% ईमान वाली का ताल्लुक हफ्तेवारी तालीम से हो जाए और उसके नतीजे में उनके घरों के अंदर दीन और आमाल दावत जिंदा हो, दावत की फिजा कायम। दो महीने आशरे वाली तैयार करना है और तीन महीने सेरोजे वाली तैयार हो जाए, दो महीने आशरे वाली एक एक मरतबा और तीन महीने सेरोजा वाली एक एक मरतबा तैयार हो जाए और पर्दे वाला मकान देख लिया जाए, मस्जिदवार जमात मजबूत हो संभालने वाली और हलके या जिले के मशवरे से इस हफ्तारी तालीम को शुरू कर दिया। ये मोटे मोटे हमारे यहाँ शराय बाद सूबे ऐसे जहाँ चिल्ला लगाए बगैर हफ्तारी तालीम की इजाजत नहीं दी जाती, उन्हें बहुत कुव्वत के साथ और बड़े अच्छे अंदाज से समझाना है कि भाई ये निजामुद्दीन के शर्त के सरासर खिलाफ है। निजामुद्दीन से बात कह दी गई, एक मरतबा दो बहनों का आशरा लग जावे और सेरोजा तीन बहनों का लग जावे तो आप तुम्हारी तालीम की इजाजत है, तो फिर आप क्यों चिल्ले की शर्त लगाते हैं? यहाँ बैठे हुए सब लोगों की जिम्मेदारी और इनके ऊपर अमानत है, यहाँ की बताई हुई शर्तों को बड़े एहतमाम से अपने जिम्मेदार और अपने सूबों में पहुँचाएगा। आपको इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि यहाँ हम सारी बातें सुने और ये सोचे कि अपने इलाके में जाके री मशवरा करें या अपने इलाकों में जाके जिम्मेदारों से मशवरा करें। यहाँ की बातें सिर्फ अमल करने के लिए और अमल में लाने के लिए।
और चार बुनियादी अमल है। इस्तकबाल एक बहन के जिम्मे तय करें, किताबी तालीम एक बहन के जिम्मे तय करें, और छह सिफात और तश्कील दोनों अमल एक बहन के जिम्मे तय करें। किताबी तालीम एक कुंवारी बच्ची जिसका सहर रोजा लग गया हो या आशरा लग चुका हो, ऐसी कुंवारी बच्ची से सिर्फ किताबी तालीम कराने की इजाजत, इससे पहले इसकी इजाजत नहीं थी, अब इजाजत हो गई। क्यों? ताकि अफ्तारी तालीम जल्दी शुरू हो। बेशुमार जगह चिल्ले वाली भी होती है, लेकिन तालीम इसलिए शुरू नहीं हो रही कि कोई पढ़ने वाली नहीं, और जो पढ़ने वाली है वो गैर शादी शुदा, तो इसलिए इजाजत दी गई कि गैर शादी शुदा तीन दिन गैर शादी शुदा आशरा लगा ले तो उनसे किताबी तालीम आप जल्दी करा। ये सारी बातें जब 100% आप अमल में लाएंगे, न जाने कितनी अफ्तारी तालीम में इजाफा हो जाएगा, और आप अपने बने बनाए शराइत पर जमे रहेंगे, न जाने कितनी तालीम के खुलने में रुकावट बनेंगे। आप महीने में एक मरतबा, महीने डेढ़ महीने में एक मरतबा मर्दों का बयान, महीने डेढ़ महीने में एक मरतबा किसका बयान? मर्दों का बयान, महीने डेढ़ महीने में मर्दों का बयान। अब तुम्हारी तालीम को मस्तूरात के नकद निकलने का सबब बना, मस्तूरात के नकद निकलने का अनुमान बना। अब तुम्हारी तालीम एक भी जोड़ा तैयार हो जाए उसे निकालने का अहतमाम करें, रोकने की हर किस कोशिश ना करें। उसकी आसान शक्ल ये है कि एक साहब पहले से तैयार हों मशोरे से, जिन पर तारीख बहुत आगे गुजर चुकी, ड्यू डेट चल रहा होगा, उन्हें तैयार रखें, या जिनकी तारीख आ चुकी शहरोजा में निकलने की उन्हें तैयार रखें, या किसी मर्द मुजाहिद को तरगीब दे के तैयार रखें जो एक्स्ट्रा शहरोजा मस्तूरात में लगा सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, या तो तरतीब वालों को उठाओ या फिर तकाजे पर किसी को तैयार रखो, ताकि ये अफ्तारी तालीम में तैयार होने वाले जोड़े और उनकी सलाहियतें ज़ाय ना हो जाए। अभी तक बहुत जोड़े हमने ज़ाय कर दिए, हर हफ्ते का जो जोड़ा तैयार होता उसे बड़ी आसानी से छोड़ देते। अब इस बात पर लाना है अपने अफ्तारी तालीम को, एक भी जोड़ा जिसका नीयत इरादा कच्चा भी हो उसे पक्का करके हर हाल में निकालो। एक भी जोड़ा जिसका इरादा किसी भी दर्जे में कच्चा हो, उसने नाम के वास्ते नाम लिखवा दिया अफ्तारी तालीम में, अब बस पीछे लगकर मेहनत करके उसे वसूल कर, आज एक एक जोड़ा निकाल रहे, अल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्द लाएंगे, पूरी पूरी जमात सेरोदा की निकलेगी, बहुत जल्द वो दिन आवेंगे, आशरे की जमात है और चिल्ले की जमात है, दो महीने की जमात है, बल्कि अल्लाह ऐसा दिन दिखला देंगे बहुत जल्द कि किसी मुल्क का कोई खास तकाजा माँ मसूरा जमात का खुले खर्च की जमात अल्लाह ताला एक हफ्ते का, आप यूँ कहेंगे बस दो तीन दिन रुक जाए हमारी अफ्तारी तालीम हमारी, उसी से हम जमात बना के आपको दे दें। अफ्तारी तालीम से खवातीन की जमातें तैयार हो करके पूरे आलम में जा रही है। ये अभी तो मस्तूरात के सेंटर बना रखे सिर्फ बयान तकरीर करने के लिए और किताबी तालीम कराने के लिए, और अहम तरीन हिस्सा हमने छोड़ दिया, तश्कील करना और उन्हें वसूल करना, तश्कील करना और वसूल करना। ये इस वजह से हमारी ये सारी तालीम ये बिल्कुल जो है बेरूह के बेजान के रस्मियत का शिकार हो गई। अफ्तारी तालीम खवातीन भी आती है, कोई नफ़ा समझ में नहीं आता, नफ़ा उस वक्त समझ में आएगा जब उसके घर के अंदर के आमाल के साथ साथ कुल खवातीन निकल भी रही अल्लाह के रास्ते। इसके लिए हफ्ते भर हमें एहतमाम से दावत भी दे रही, मस्जिदवार जमात की जिम्मेदारी है हफ्ते भर चल फिर करके दावत दे, हफ्ते भर चल फिर करके क्या करें, हफ्ते भर चल फिर करके दावत दे, मस्जिदवार जमात की जिम्मेदारी हफ्ते भर चल फिर करके दावत। दो गश्त जिस तरह आपके जिम्मे है इसी तरह ये तीसरा गश्त है, ये हफ्ते भर होना चाहिए। जब भी मुलाकात में जा रहे हो तो आप घर की तालीम उसको समझा रहे हो, उसके साथ साथ उसे अफ्तारी तालीम उसका दिन किसके घर में है कौन से वक्त में है एहतमाम से उसकी तश्कील चले। ये हमारे रोजाना की मेहनत का मौजू और उनवान बने, अफ्तारी तालीम की दावत चला। अभी तीन गलती हो रही, हफ्ते में एक दिन दावत चलाते हैं, एक घंटे बिफोर चलाते हैं और बच्चों बच्चियों के जरिए से चलाते हैं, अब वो भी खत्म, अल्लाह माफ फरमाए, शैतान शयातीनी आलात के जरिए से चला, अब तो मर्दों को इसकी भी फुर्सत नहीं, अब खवातीन के हवाले कर दिया, खवातीन गश्त कर रही, कोई गुंजाइश इन आलात के जरिए से दावत चलाने की कोई गुंजाइश? अब ये मुल्क से खत आया परसों तरसों, वो कहने लगे कि हम ऐसे वेस्टर्न इलाके में रहते हैं वहाँ पर हमें मुसलमानों को तलाश करना मुश्किल, इजाजत दे दे हम इन आलात के जरिए से दावत। हजरत ने बड़ी सख्त अंदाज में खत लिखवाया, साफ समझा, साफ समझा, बस कहने लगे
کہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا تھا, بس ایک امید لے کر کے ان تک پہنچ گئے. یہ نہیں تھا کہ بھائی کیوں جا کے تکلیف اٹھا گئے, کسی طریقے سے بات پہنچا دی جاوے, ہم کیوں جائیں اللہ کے نبی, بس تکلف مجاہدے کر کے طائف کے دعوت دینی, جب اس سے زیادہ ہمارے لیے مجاہدے ہو رہے ہیں, ایک ایک کو مسلمان کو تلاش کرنے. ہاں سوچنے کی بات, ترقی کی بات نہیں ہے, یا حالات ہے, ترقی کا زمانہ ہے, جتنا مسلمان پیچھے جائے گا اتنی اس کی ترقی. تیسرا کیا ہوگا, جتنا مسلمان پیچھے جائے گا اتنی ترقی, اور جتنی دنیا آگے جا رہی دعوت چلانا, بچے کو دعوت چلانا, مسجد کو دعوت چلانا, جتنی تیزی سے دنیا آگے جا رہی ہے اتنی جلدی حالات, اور بچوں کے ذریعے دعوت چلانا, اگر آپ دنیا والوں کے ساتھ شام کے اندر ان دنیا کی چیزوں کو لے کے آپ یوں سوچیں گے کہ ہم بڑے آگے بڑھ رہے ہیں, تو بہت جلد آپ کے کام کی جانیں, کام کی بنیاد جو اکھڑ جائے. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے طور سے چل کے پھر کے اہتمام کے ساتھ دعوت دیں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اسی طرح بنیادی بات اللہ کے راستے میں نکل کر 100% گھروں کے اندر جماعت کے قیام کی ترغیب دینا, اور جتنا ہم سے ہو سکے نئے نئے مکانات میں قیام کرنے کی کوشش کرو. ترغیب تو سب کو دینی ہے, اور ہمارے بس میں جتنا ہو سکے نئے مکان میں قیام کرنے کی کوشش کریں, تاکہ دین بھی زندہ ہو اور دعوت کا ماحول بھی ہر گھر کے اندر قائم ہو جائے, بے دینی اور باطل اس گھر کے اندر سے 100% ختم ہو جائے, باطل اور بے دینی اس گھر کے اندر سے 100% ختم. سب سے پہلے ایسے گھر میں ٹھہرائے جس گھر کے اندر بے دینی آخری حد تک پہنچ چکی, بے دینی اپنی آخری حد کو پہنچ چکی, بے پردگی آخری حد کو پہنچ چکی, ایسا گھر قیام کے لیے سب سے زیادہ اہم, مقدم, قابل ترجیح. جس طرح کوئی حادثہ ہونے پر 3 آدمی اس حادثے کا شکار ہو, ایک آدمی کو ہلکی سی کھروچ, دوسرے آدمی کو تھوڑا سا فریکچر, اور تیسرا آدمی سکرات کے عالم میں, اور ایک ہی ڈاکٹر ہو, تو بتائیں کہاں سے علاج شروع ہوگا؟ جو سکرات میں اس کا علاج فرض عین. اسی طریقے سے آپ کہیں پہنچ رہے اور وہاں پر 100 مکان میں سے 10 مکان میں اعلیٰ درجے کی دعوت عبادت ہے, اسے آپ چھوڑ دیں, اور 10-50 مکان کے اندر آدھے 50% دعوت عبادت کلیمہ نماز ہے, اسے بھی آپ چھوڑیں, اور 10-15 مکان ایسے ہیں کہ اس گھر کے اندر دین اسلام اپنی آخری سانسیں لے رہا اور بالکل دم توڑنے کے قریب اور مرتد ہونے کے قریب, ارتداد کے قریب, ایسے مکان میں آپ کے ذمے ہیں جماعت کو لے کر ٹھہرنا, خواتین کو ٹھہرانا. اس لیے آپ جاویں گے ایسے گھروں کو کھوجیں گے, ایسے گھروں کو تلاش کریں گے, ایسا نہیں کہ آپ کو ایسے گھر خود بخود مل جائے. دیندار گھرانے اور اسی طرح ماحول والے گھرانے تو سر فہرست اور سرخیوں میں لکھے ہوئے ملیں گے, ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرانے کی کوشش کریں گے, لیکن انہیں خود نہیں پتا ان گھروں کے بیچ میں کتنے گھر ایسے ہیں جو جہنم کی طرف جا چکے ہیں, انہیں تلاش کرنا آپ کا کام, آپ اسی لیے جا رہے ہیں. ہماری جماعتیں نصرت اور مسجد اور مسلوں کی بنیاد پر نہیں جا رہی, بلکہ ایک ایمان والی کے گھر کو تلاش کرنے کے لیے جا, ایک ایمان والے کو تلاش کرنے کے لیے ہماری جماعتیں مستورات کی جا, اور کسی قسم کی ہمارے یہاں گھروں کے اندر جمع ٹھہرانے کے لیے پردے کے علاوہ کوئی شرط نہیں, پردہ باندھ سکتے ہیں آپ, ٹھہراتے چلے, اور ایک محلے میں ضرورت کے بقدر قیام ہو, 2 دن کے اندر کام پورا نہ ہو سکے تو آپ 4 دن 6 دن 8 دن قیام کر سکیں, اور 10 دن 8 دن کے اندر کام پورا ہو گیا تو پھر آپ اصرار نہ کریں, آگے روانہ ہو جائیں. دائی بنے کی علامت ہے مرنے سے پہلے پہلے اپنے تمام پڑوسی گھر میں کم سے کم ایک ایک مرتبہ 2 دن ماں مسورہ جمع ٹھہرا دیں. 5 بنے کی علامت ہے, ناقص بنے کی علامت ہے کہ موت تک اپنے گھر میں جمع ٹھہراتا رہے اور اپنے پڑوسیوں کو جماعت کے قیام سے محروم رکھے, بڑے خسارے کی بات. 5ویں بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر قدیمات کے جوڑ کی فکر کرنی, کرنا نہیں, جوڑ کرنے کے لیے نہیں, جوڑ کی فکر کرنی, جوڑ ہو گیا ہے تو ہم پوچھ لیں, کارگزاری لے لیں کہ آپ کے یہاں جوڑ ہوا, کس طرح ہوا, کیسے کیسے اعمال ہوئے, اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپڈیٹ کر کے انہیں بتا دیں, بھائی نظام الدین سے جوڑ اس طرح کرنے کو کہا جا رہا, آئندہ خیال رکھنا, اور نہیں ہوا جوڑ تو پھر جوڑ کرنے کی ترغیب, اور پھر جوڑ کے اعمال اور صحیح ترتیب اور محنت میں پورا ساتھ دے کر انہیں جوڑ پر ڈال کر کے آئیں, اور ضرورت پڑنے پہ آپ تعاون بھی کر سکتے ہیں.
तरतीब ये बतला दी कि भाई छह महीने में एक मरतबा जोड़ होगा, इसमें 30-40 बहने होंगी, तीन मरतबा सहरोजा वाली, अशरे वाली, चिल्ले वाली, बैरून दो महीने वाली और निजामुद्दीन में नुसरत में आने वाली, ये पांच किस्म की खवातीन और इसमें मर्दों की शिरकत जरूरी, महरमों की शिरकत इसके अंदर लाजिमी और जरूरी, महरमों की शिरकत इसके अंदर लाजिमी और जरूरी और इसके अंदर खाने का कोई इंतजाम नहीं। और मुंतखब हदीस से शुरू में तालीम होगी मस्तूरात में अलग और मर्दों में अलग, अल्लाह के रास्ते में निकलने की अहमियत, फजाइल, आदाब, न निकलने पर सख्त तरीन वईदें और फिर पहली मजलिस के अंदर सहाबियात के खुरूज के वाकयात बड़े अहतमाम से सुनाएंगे, किस तरह सहाबियात 10 साल के लिए निकली, 7 साल के लिए निकली, 7 मरतबा मुसलसल निकली और निकल करके अपनी कब्रें बनाई, मुल्कों में गई, बार बार निकली अपने मर्दों को ले जाकर के शहीद कराना और खुद भी जा जाकर उनके साथ अपनी कब्रें बना लेना, ये वाकयात बड़े अहतमाम से सुनाने की, इसी से इन खवातीन के जज्बात बनेंगे। सहाबियात के वाकयात सुनाने पर जितने ज़्यादा जज्बात बन जाए उतना कम है और अपनी कारगुजारी सुनाने पर जितने भी जज्बात जमीन में जितने भी जज्बात कम हो जाए उतना कम, जितने जज्बात मुर्दा हो जाए उतना कम। इसलिए ये पहली मजलिस अपनी कारगुजारियाँ सुनाने के लिए, उसके साथ पूरे आलम के तकाजे अगर हमारे सामने आ चुके हैं निजामुद्दीन के हवाले से तो वो तकाजे भी सुनाते, कौन से मुल्क के लिए कैसी जमातों का तकाजा है, खुले खर्च अरबी जोड़े, अंग्रेजी जोड़े और फिर जमातों की नकल व हरकत की वजह से जो उम्मत की बेदीनी सामने आई उसकी दो चार कारगुजारी को ज़रूर सुना ताकि इन सब के जज्बात बन जाए, बेचैनी बेकरारी इनके अंदर पैदा हो जाए। उसके बाद बड़े अहतमाम से तश्कील हो, अंदर भी अलग तश्कील हो और मर्दों में अलग तश्कील हो, दो महीने की चिल्ले की आशरे और पर्चा कवायफ का साथ में रखें ताकि नाम फौरन लिखे और खर्चा फौरन मुतय्यन करें, निकलने की तारीख मुतय्यन करें, वसूलियाँ भी जमा करें, ये चार बुनियादी काम करके जमातबंदी मुकम्मल करना, अंदर भी तश्कील बाहर भी। और उसके बाद दूसरी मजलिस इसके अंदर बड़े अहतमाम के साथ घर की तालीम समझाई जाए कुरान हदीस की रोशनी में, हफ्तवारी तालीम समझाई जाए, उसके शराइत और उसके बढ़ाने की फिक्र दिलाई और अल्लाह के रास्ते में निकलना तरतीब पर और तकाजे पर और उसके शराइत क्या है और फिर घरों के अंदर क़याम कराने की ज़रूरत और अहमियत क्या है और सबको इरादे नियत करवावे कि हम 100% मोहल्ले के घरों में जमा ठहरावे। ये हमारे अदीमात के जोड़ का खुलासा है। अगर 40 बहने नहीं सिर्फ 15 बहने हैं तो उनका मुस्तकिल जोड़ होगा, अगर सहरोजा वाली ही बहने हैं तीन मरतबा सहरोजा लगाई हुई, अशरे और चिल्ले वाली नहीं है तो उनका जोड़ मुस्तकिल होगा। अल्लाह के रास्ते में निकलकर फजर से लेके 10 बजे के अंदर अपनी खवातीन से बड़े अहतमाम के साथ औकात गुजारी का मुजाकिरा करें, इज्तिमाई आमाल क्या क्या है और उसके फ़ायदे क्या है, इनफरादी आमाल क्या है और उसका नफ़ा क्या है, आपस की इज्तिमाईत और खिदमत की लाइन की तरगीबी बात, तस्बीहात और तिलावत और सुन्नत सादगी, बच्चों की दीनी तरबियत, पर्दे वाली ज़िंदगी, कौन महरम हमारा कौन ना महरम, घर के आमाल क्या क्या होते हैं, अफ्तारी तालीम क्या है, घर की तालीम क्या है, उसकी क्या अहमियत है, घरों में जमा ठहराना कितना ज़रूरी, ये बातें हम अपनी खवातीन को सुबह के मुज़ाकरे में समझाते रहें ताकि हमारी बहनें इन आमाल की पाबंदी भी करें और आने वाली मोहल्ले की खवातीन को दावत भी दे सकें। रोज़ाना एहतमाम के साथ ये मुज़ाकरे हों बारी बारी, दो वक्त की तालीम मस्तूरात में और मर्दों में, मस्तूरात की तालीम में सुबह की रोज़ाना कुरान का हल्का लगेगा और रोज़ाना 6 सिफात का मुज़ाकिरा होगा और किताबी तालीम की तरतीब ये कि पहला दिन सुबह मुंतखब से और शाम को फ़ज़ाइल आमाल मा फ़ज़ाइल सदक़ात, अगले दिन सुबह फ़ज़ाइल आमाल मा फ़ज़ाइल सदक़ात और शाम को मुंतखब से, ये अंदर से लेके बाहर तक, अंदरून से लेके बैरून तक सबकी किताब पढ़ने की यही तरतीब मस्तूरात के लिए। और मर्द रोज़ाना मुंतखब से सुबह के वक्त में और शाम को फ़ज़ाइल आमाल मा फ़ज़ाइल सदक़ात, कुरान इतना सही हो जाए हल्के में बैठकर कि हमारी खवातीन घर आकर मौत तक कुरान के हल्के लेकर आने वाली नस्लों को कुरान सही करा सके, इतना कि उनकी भी नमाज सही हो जाए और जमातें आ जावे उनका कुरान हल्का लेकर सही करा सके,
जमातों में जावे तीन दिन आश्रय की तो नई नई बहनों का कुरान सही करा सके। इस दर्जे में इंशाल्लाह कुरान सही करके आना, छह सिफात इस दर्जे में सीख करके आए कि अपने घर के रोजाना के हल्कों में छह सिफात दे सके। अब तुम्हारी तालीम में किसी बहन का तय हो जाए तो उसमें छह सिफात ले सके, और जमातों में जाना पड़ जाए तो फिर उन बहनों को भी अच्छी तरीके से ये सारी बातें सिखला सके। इस दर्जे में कुरान का हल्का और इस दर्जे में अपना छह नंबर ये हमें सीख करके आना है। इस शिले के अंदर मस्तूरात में शाम के वक्त में किताबी तालीम है, इस्तकबाल है, और फिर मर्दों का बयान है, और फिर उसके बाद जितनी बहनें उतने हल्के लगाए जाएंगे करके अमाल समझाने के लिए और अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील के से रोज़ा आशरा चिल्ला नकद मर्दाना तश्कील भी है और जनाना तश्कील भी, जमातों को घर में ठहराने की तरगीब भी, घरों की तालीम की, अफ़्तारी तालीम में शिरकत की, और असर के बाद मगरिब तक इनफरादी अमाल है, इज्तिमाई कोई अमल नहीं, अपनी खवातीन तस्बीहात तिलावत और शाम के मामूलात में फौरन लग जाए। मगरिब के बाद हमारी खवातीन की अगर नमाजें और बुनियादी सूरतें कच्ची कमजोर हैं तो अब फजर का मुजाकिरा न दें, बल्कि उन्हें अपनी नमाज और नमाज का ढांचा और नमाज के अंदर की चीज़ें याद करने कराने का मौका मगरिब पास ज़्यादा दें, ताकि जल्दी से जल्द कम दिन के अंदर उनका नमाज का ढांचा और अंदर पड़ी जाने वाली सारी चीज़ें ठीक हो जाए। जब ये ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद कभी कभार फजर के मुजाकिरे का फजर के रुनवान दे दें मुजाकिरा करने के। जब तक ये सब चीज़ें ठीक ना हो उस वक्त तक कोशिश ये हो कि ज़्यादा इनको इन सीखने सिखाने का मौका दें। मगरिब बाद बड़ा लंबा हो, जल्दी से जल्द रुकू करना, सजदा करना, अतहियात में बैठना, नमाज का ढांचा, फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ चार सूरत, इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीखने सिखाने में ज़्यादा वक्त है, तो नमाजों के एतबार से ज़्यादा मश्क करनी, फ़ज़ाइल के एतबार से भी मश्क, मसाइल के एतबार से भी मश्क, मसाइल के अतबार से फ़राइज़ भी सिखाए वो भी चंदे, और वाजिबात भी चंदे, मुस्तहबात भी और मकरूहात सुन्नतें भी, ये चारों चीज़ें सीखनी है सब चंदे, और मकरूहात क्या क्या है और मुफसिदात क्या क्या है और किन चीज़ों से सजा से वाजिब हो जाती है और कितनी चीज़ों में मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क हुआ करता है, हाथ उठाने में, हाथ बांधने में, रुकू करने में, सजदा करने में, अतहियात में बैठने में, इस तरह कई चीज़ें हैं जिसके अंदर मर्द और औरतों की नमाज में फ़र्क है, उसका इल्म सीखना फ़र्ज़ आइन है, मर्दों के ज़िम्मे भी मस्तूरात के ज़िम्मे। इस चिल्ले में सब भाई और सारी बहनें नियत करके जाएं, इंशाअल्लाह अपने नमाज को मसाइल और फ़ज़ाइल दोनों एतबार से हम सही करके लाएंगे। अल्लाह के रास्ते में निकल कर इनफरादी दावत देने का खूब एहतमाम करें, हमारी बहनों को दाइयां बनकर के आना है। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी दाइयां थी, उलमा ने लिखा है कि मक्के के ज़माने में उनका गश्त बड़ा मशहूर था, वो जाती थी छुप छुप करके और एक एक को जाके दावत देती, बेशुमार कुफ़ार मक्का के घर में ख़वातीन की हिदायत पर आने का सबब उम्मे शरीक की इनफरादी दावत। जब मक्के वालों को भनक लगी और उन्होंने उन्हें मक्के से निकाला तो मदीने पहुंचने के बाद उन्होंने अपने घर को मरकज़ का दावत और नुसरत गाह बना लिया, जिसका कोई आसरा नहीं उम्मे शरीक के घर आ जाए, जिसके लिए कहीं खाने का नजर नहीं उम्मे शरीक के घर में आ जाए, मौत तक वो दीन की अनसार और नुसरत करने वाली बनी रही, 24 घंटे उनके घर में दीन की नुसरत का सिलसिला। इनफरादी दावत से अपने दीन और अपने अकीदे और अपने मजहब पर इतनी पुख्तगी कि बड़े से बड़े जालिम आने पर भी हमारे इस्तेकामत में कोई फ़र्क नहीं आए। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बांधी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, दीन में दाखिल हो गई और वो भी हल्के में बैठा करती, जब पता चला तो उमय्यत बिन खलफ हज़रत उमर सब ने बारी बारी मार मार के जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, उसके बावजूद उनके अकीदे में फ़र्क नहीं आया। अचानक उनकी दोनों बीनाएं चल गई, कुफ्फारे मक्का को ताना देने का मौका मिल गया कि हमारे माबूद को तुमने ठुकराया, उन्होंने तुम्हारी बीनाएं रोशनी छीन ली। इस पर उन्होंने बड़े इत्मीनान से ये बात कही कि तुम्हारे माबूदा ने बातिल को इतना नहीं पता है कि उनकी इबादत करने वाले दुनिया में कौन है कितने, भला उनमें क्या मजाल हिम्मत कि वो मेरी बीनाई और मेरी आँखों की रोशनी छीन लें। ये तो अल्लाह की तरफ से तय था कि ज़िन्नीरा इस तरह ईमान लाएगी और इस तरह तकलीफ़ों और अजियतों की चक्की में पीसी जाएगी और इस तरह उसकी बीनाई चली जाएगी। मेरा अल्लाह इस वक्त कादिर है कि वो अभी फौरन मुझे मेरी दोनों बीनाई लौटा दे। ये कहकर रात को सोई और सुबह दोनों बीनाई अल्लाह ने लौटा दी।
ये क्या है, दावत का असर है। इसलिए एक एक बैंक चार चार घंटे दावत दे, अल्लाह की बड़ाई, कुदरत, जन्नत, दोजख के तस्करे, आमाल की दावत, ईमान की, सुन्नतों की और नमाजों की, इल्म और जिक्र की, इकराम की, इखलास की और खुद आमाल दावत की, खूब अच्छी तरीके से दावत चल। एक एक बैंक दाइया बन के वापिस आए और फिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर एहतमाम करना, खिदमत के एहतमाम, अपने काम काज खुद करें और अखवान की जिम्मेदारी औरतों पर है और खर्चा मर्दों के जिम्मे है। हमेशा कच्चा सामान मस्तूरात को दे के रखें, पत्ती है, दूध है, चीनी है और तेल है, मिर्च मसाले हैं और इसी तरीके से सब्जी तरकारी मीट मटन है। यहाँ तक के अगर सब कुछ है लेकिन दुश्वारी सिर्फ गैस चूल्हे की वजह से, तो हम सिलेंडर भी वहीं से भरवा करके दे देंगे ताकि हमारी खवातीन ना खाली हाथ रहे और ना ही खवातीन मजबूर रहे, अपना रोजाना पकवान का सिलसिला रहे। मर्द हजरात कभी भी इंतजार में ना रहे कि कोई आकर के हमें दावत दे या हमें बता दे कि आपकी दावत नहीं है, बल्कि मशवरा होते फौरन खिदमत के लिए आदमी भेजे और सामान कच्चा ला करके खवातीन को दे दिया कर। अल्लाह के रास्ते में निकल कर इन आलात के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं। किसी एक जोड़ा क्या, एक मर्द या एक औरत के पास भी ये मोबाइल और ये आलात ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं। हद बढ़ाई लिया सर अब्दुल्ली बार बार कहते हुए दुनिया से गए, अपने काम को इन रिवाजी तरीकों से बचाओ और फरमा देते के अपने मशवरों को और अपनी मेहनतों को इन रिवाजी तरीकों से बचाओ। अगर तुमने ये सोचकर इन्हें इस्तेमाल किया कि इससे दीन फैलेगा, यकीनन इससे दीन नहीं फैल सकता, हाँ बातिल फैल जाएगा, क्योंकि ये तो मुजाहिदे ख़त्म करने के रास्ते और मुजाहिदे पर अल्लाह की तरफ से हिदायत का वादा है। रिवाजी तरीकों में रिवाज की जुल्मत है और सुन्नत तरीकों में सुन्नत का नूर है। इसलिए पूरी जमात इरादे करके जाए कि इन आला से अपने चिल्ले की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, और तस्बीहात की पाबंदी हो, तिलावत का एहतमाम हो, आपस में जोड़ के साथ वक्त लगाएं, अमीर की इताअत के साथ वक्त लगावे और जो बंजर बस्तियां हैं उसकी कारगुजारी निजामुद्दीन जल्द रवाना करे ताकि आपकी मौजूदगी में अगली जमात फौरन पहुंच जाए। ये भी आपकी बुनियादी जिम्मेदारी। उम्मत के क्या हालात है ये देखें, आपकी बहनों ने चिल्ले भर में कितनी बहनों को बुरखा और कितनी बहनों को कलिमा सिखलाया, कितनी बहनों को बुरखे में ले आई, कितनी बहनों को नमाज सिखला दिया, पढ़वा दिया। ये कारगुजारी चाहिए आपकी तरफ से, पक्की कारगुजारी कि कितने घरों में पांच अमाल और कितने घरों में बाज अमाल के साथ तालीम जिंदा, कहाँ कहाँ अफतारी तालीम की जिंदा की और कहाँ कहाँ आपने नकद जमात से रोजा आशरे की चिल्ले की आपने बनाई और कितने नए नए मकानात में आपने क़याम किया, कितनी बहनों को कलिमा सिखलाया, वजू सिखलाया, गुज़ल सिखलाया, नमाज के ढांचे सिखलाए, ये रोजाना की सारी कारगुजारी जमा करके ला के आप सुनाएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अब ये जितनी बातें बताई गई हैं अमानत है, ये सारी बातें अमानत है, अमल करने के लिए है। इस पर हम अपनी जात से पहले इस सिलसिले में अमल करेंगे और उसके बाद सारे इलाकों में इसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरा सा अभी हल्के लगा के बैठ जाए, इस तरह कुरान का हल्का लगता है और फिर इन सारी बातों को दोहरा लो, जल्दी से बैठे बैठाए हल्के लगा, जल्दी से हल्के लगा, सारी बातों का मुजाकरा करके यहाँ से उठें, जल्दी से बैठे। अभी सवाल जवाब की जो तालीम होती है ना, जल्दी से बैठ जा हल्का लगा।